धन कुबेर निकल रहे हैं, जहां धन उगल रहा है। एक सेकेंड जरा, क्योंकि जेएमएम वहां पर हेमंत सोरेन जेल में है, उनके नेता उनके मंत्री वहां, उनके मंत्री के पीएस के कर्मचारी के यहाँ, अब बोलिए वहां पर जिनकी शायद आमदनी ना हो 30,000, उनके यहाँ पे 30 करोड़ निकल रहा है, ये कैसे निकल रहा है प्रियंका जी? इसको जस्टिफाई कैसे करेंगी जरा ये एक बार बता दीजिए। सुचारिता जी, सबसे पहले तो बीजेपी प्रवक्ता महोदय ने जिस तरह से एक दलित मुख्यमंत्री को चन्नी जी को भी चवन्नी कहा, ये इनकी जातिवादी मानसिकता को भी पूरे देश में जग जाहिर किया है कि भाजपा कैसी दलित विरोधी पिछड़ा विरोधी पार्टी है। और अभी रही आप बात कर रही हैं पैसे की तो, और पाकिस्तान की, तो ये वही प्रधानमंत्री जी है ना नरेंद्र मोदी, देश के पहले प्रधानमंत्री, तो छुप छुपा के पाकिस्तान चले गए, नवाज शरीफ जी के बिरयानी खाए, देश को पता तक नहीं चला। वही प्रधानमंत्री है ना जिन्होंने 52 करोड़ रुपए लिए और देश के 140 करोड़ जनता की जिंदगी का सौदा कर दिया। आप बिल्कुल ठीक लग रही हैं, अपने ऊपर लिखा ना केकर शर्मा जी को, पर मोदी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, उस देश में किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कोविशील्ड कैसे लगवा दिया उन्होंने, अभी उसकी रिपोर्ट आई है ना कि किस तरह से हार्ट अटैक ब्रेन स्ट्रोक सब कुछ हो रहा है, किसका सौदा किया, ये किसके सौदेबाज लोग हैं? और आप आगे बात करिए पाकिस्तान के गिरिराज सिंह जी, जितना मुंह पे राम नहीं आता होगा ना उतना मुंह पर इनके पाकिस्तान आता होगा, ऐसे लोग हैं ये लोग जिनको मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, खाली इधर उधर की बात करेंगे। अब आते हैं पैसे के ऊपर में बात, चंदे का सौदा करके धंधा देने वाले लोग पैसे पे बात करेंगे। अभी कांग्रेस के ऊपर सवाल उठा रहे थे कि 350 करोड़ रुपया मिला था, उसके बाद की रिपोर्ट लगता है पढ़ते नहीं है, बहुत क्लियरली मेंशन था कि वहां पर कुछ नहीं निकला, टैक्स वगैरह का उन्होंने सारा स्लिप दिखा दिया, क्लीन एंड क्लियर। चुनाव के समय में करवाएंगे हैं क्योंकि ईडी को इन्होंने वसूली प्रकोष्ठ बनाकर रख दिया है, तो ये है ऐसे भाजपाई लोग। और अभी आप एक और सवाल वहां पर उठा रही थी शहीदों के नाम पर वोट, अभी आप कह रही थी ना कि लोग शहीदों का मजाक बनाते हैं, शहीदों के नाम पर एक मिनट प्रियंका जी मैं अपने सारे मेहमानों से कह रही हूँ, दो बड़े मुद्दे हैं आज जिन पर हम बात कर रहे हैं, एक तरफ ये कैश जो निकल रहा है, दूसरी तरफ वो बयान जो दिए जा रहे हैं, तीसरे चरण की वोटिंग होनी है। प्रियंका जी एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात, मैं पहले इस कैश कांड पर बात करना चाहती हूँ क्योंकि ये जो नोट निकल रहे हैं, सुनिए प्रियंका जी मेरी बात सुन लीजिए पहले, आप ये जो कैश उगल रही है, ये मशीन जो गिनती चल रही है, मेरा एक सिंपल सा सवाल था कि जिसके घर की आमदनी मैंने पूछा 30,000 नहीं है, उसके घर में 30 करोड़ क्या कर रहे हैं? ये सवाल आप खुद से भी पूछिए फिर जवाब दीजिए। जी हाँ सुचारिता जी, अब मैं आपको जवाब देती हूँ। जिस तरीके से भाजपा ने ईडी को वसूली प्रकोष्ठ बनाकर छोड़ा है, ये पूरे देश में जग जाहिर है, लेकिन मुझे समस्या इस बात से हुई कि जिस तरीके से ये जातिवादी शर्मा चन्नी को चवन्नी बोला, आपने इसको रोका कैसे नहीं, आपने इसको रोका कैसे नहीं, शर्मा चन्नी को चवन्नी बोलेगा, चवन्नी बोलिएगा, इतनी हो गई है इस देश में, संविधान अभी दिन समझ लीजिए, और इस संविधान के आगे आपका मन तो नहीं चलेगा। मेरा सवाल नहीं बोल रहे यहाँ पर, देखिए मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग शिष्टाचार का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर क्लास तो नहीं लगा रहे हैं, मैं सुन लीजिए मेरी बात, सवाल का जवाब दीजिए। आप लोग मोदी जी के बारे में ऐसे बोलते हैं, वो लोग लालू जी के बारे में ऐसे बोलते हैं, ये तो मैं कितने डिबेट से देख रही हूँ, तो पहली बार नहीं है, सुन लीजिए मेरी बात, सवाल का जवाब है। ठीक है मैं जा रही हूँ एक बार प्रोफेसर स्वामी जी के पास, प्रोफेसर स्वामी मैं आपसे पूछ लेती हूँ, धीरेन्द्र जी के पास, धीरेन्द्र जी और प्रोफेसर स्वामी को स्क्रीन पर रखिए। प्रोफेसर स्वामी मुझे बता दीजिए, मैं फिर वही सवाल दोहरा रही हूँ, जिसकी आमदनी 30,000 नहीं, उसके पास 30 करोड़ कैसे आया, क्या ये पूछने वाला और सोचने वाला सवाल नहीं है? नहीं बिल्कुल सवाल सही है, मुझे जो खबर मिली है वो जिसके यहाँ पैसे पकड़े गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। अरे मेरे घर में अगर 4 नौकर काम करते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि जो विचारधारा मेरी हो। ये खबर कहाँ से मिली है प्रोफेसर स्वामी? नहीं सूत्रों से मिली कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। वो बीजेपी का। अच्छा ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है भाई केके शर्मा जी, इसके बाद मेरे पास तुरंत आपके पास आना पड़ेगा। जो पूर्व वक्ता ने कहा ये जांच से पता चल जाएगा, ठीक है, जो पूर्व वक्ता ने कहा मैं उससे सहमत हूँ। जो इस समय देश में सबसे बड़ी समस्या है कि संविधान को हटा के मनुस्मृति लागू हो रही है, शर्मा जी ने जितने भी नाम लिए, फारूक अब्दुल्ला का नाम लिया, अल्पसंख्यक है, देखिए मैं एक मुद्दे पर बात कर लूं प्रोफेसर स्वामी पहले, ये पीडीए को तबाह करने वाले लोग हैं, ये नैरेटिव क्यों चेंज करते हैं आप लोग, मेरे को समझ नहीं आता है। देखिए इस समय जो नैरेटिव है एक ही है केवल हिंदुस्तान में, प्रोफेसर स्वामी उस कैश पर नहीं बोलना है, वो है प्रज्वल रमन्ना, देश के प्रतिष्ठा को गिराने वाला आदमी जर्मनी में देश का भद्द पिटवा रहा है, ठीक है, और उसका बाप पकड़ा गया है और वो वापस आने को तैयार नहीं है।
जिसकी कन्वेंसिंग की गई थी। तो इस समय हिंदुस्तान की नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, प्रज्वल रमन्ना जिस तरह से बदनामी कर रहे हैं और जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, स्वामी ये जिसके पैसे पकड़े गए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। आपके सूत्र बड़े रेलेवेंट सूत्र लग रहे हैं मुझे, क्योंकि ये खबर मुझे कहीं से नहीं मिली कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता अगर है। एक मिनट धीरेन्द्र जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, एक मिनट दुष्यंत जी, एक एक करके बात करेंगे। इन्होंने खबर को नया स्पिन दे दिया, वो कह रहे हैं जो पकड़ा गया है वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। अब वो पीएस क्या काम कर रहा है बीजेपी का कार्यकर्ता, ये जांच में अभी तक क्यों नहीं आई बात सामने? धीरेन्द्र जी, हाँ केके शर्मा जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए, मैं धीरेन्द्र जी के पास जाऊं। एक मिनट, केके शर्मा जी, आपका कार्यकर्ता ये कह रहे हैं प्रोफेसर स्वामी? मुझे तो पता नहीं ये प्रोफेसर स्वामी है क्या, मैं तो नहीं जानता, लेकिन मुझे तो बड़ा आश्चर्य इस में नहीं, सनातनी हूँ जो सर्विस कर रहा है। रहने भैया, सर्टिफिकेट मत दिया करो, सनातनी जो है ऐसा नहीं होता। चलो, ये जो व्यक्ति, आप सोचिए, गवर्नमेंट सर्विस जो जहांगीर आलम है वो भाजपा के मंत्री हैं, उनके यहाँ एक नौकरी कर रहा, उनका पीए है, पीए का भी वो उसके घर में काम करने वाला जो है वो भी अपॉइंटी है, और इनको सूत्रों से खबर मिल गई भाजपा है, इनको आके चैनल में झूठ बोल देना, इनका कौन लेने देने वाला है? ना इनके आगे नाथ, ना पीछे पगा, इनके कोई लाइबिलिटी लेने वाला है क्या, ये जो बैठ के चैनल पे बैठ रहे हैं? इनकी कोई है किसी पार्टी से आते हैं, कहां से आते हैं? नहीं नहीं प्रोफेसर स्वामी, यदि किसी पार्टी से होते तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंफॉर्मेशन क्रेडिबल हो, पार्टी पे क्लेम करता इस समय। एग्जैक्टली, मैं वही बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट ये है कि इंफॉर्मेशन क्रेडिबल हो। अगर ऐसा बयान है तो बताइए कहां से जाकर पता चला है, क्योंकि ये इस तरह से कह देना, इस वक्त वो रडार पर है, वो विजुअल्स जो अभी स्क्रीन पर चल रहे हैं। धीरेन्द्र कुमार जी, कोई इन्वेस्टिगेटिंग नहीं, तो आप ऐसे बयान नहीं दे सकते ना प्रोफेसर स्वामी। दिस हैज टू बी अ रिस्पांसिबल स्टेटमेंट, इलेक्शन के एक दिन पहले रिस्पांसिबल स्टेटमेंट होना चाहिए ना प्रोफेसर स्वामी। वैसे ही क्या है, एनआईए की जांच कराइए, कराते रहिए, क्या परेशानी? वो एलजी साहब ने बोला है कि हाईकोर्ट बेल देने वाली है, झूठा आदमी यहां पर बैठ के बकवास कर रहा है। तो ये आप बोल सकते हैं, ये आप बोल सकते हैं, लेकिन आपने सीधे बोल दिया कि ये पैसा जिसके यहाँ निकला है ये बीजेपी का कार्यकर्ता है। दिस इज नॉट अ क्रेडिबल स्टेटमेंट। प्रज्वल रमन्ना विश्व का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल चलाने वाला आदमी, जो इनका प्रज्वल रमन्ना पर डिबेट दूसरे दिन हुई थी, आज डिबेट का टॉपिक कुछ और है। घूम फिर कर क्या हम उन्हीं टॉपिक्स पर आएंगे जिस पर आप बात करना चाह रहे हैं? इसके बारे में जरा सोचिए। आज जो टॉपिक है वो ये नोटों की गड्डी है, आज जो कि मंत्री हैं झारखंड की सरकार में, मुझे ये सिर्फ समझ में आ जाती है आपको क्या होता है वहां पर करोड़ों कैश मिल रहा है। ये मेरे को अभी तक जवाब नहीं मिला है कि एक ऐसे व्यक्ति के घर जो पैसा मिलेगा जिसकी आय नहीं है उस हिसाब से, तो वो पैसे का क्या लेन देन है, क्या गठजोड़ है, कहां कनेक्ट हो रहा है? चुनाव के कुछ घंटे पहले वोटिंग होनी है कुछ घंटों। यह सुचारिता जी, इंडी गठबंधन के नेता और जहां भी इनकी सरकारें चल रही है, करीब करीब यही स्थिति भ्रष्टाचार का आलम है। और जहां पर आप बात कर रहे हैं आलमगीर आलम मंत्री जो है, उनके पीएस के यहाँ ये 30 करोड़ रुपये नगद जो पकड़े गए हैं, जो नेता के नेतृत्व में इनकी सरकार चल रही है, जो नारा देते थे जल जंगल जमीन, उनके ही गठबंधन के नेता जमीन बेच करके अमीर बनने का खेल कर रहे हैं, और देश के लोग और इसको देख रहे हैं बहुत अच्छे से। ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे कि यहाँ संविधान नहीं बचने दिया जाएगा, आप तो गरीबों के पैसे को हकमारी कर रहे हैं बैठकर, जंगलों को आप बेचने का काम कर रहा है, आप वहां पे माइंस को बेच रहे हैं बैठकर के, और किसके लिए? उन आदिवासी गरीब लोगों के जमीन को। ऐसे लोगों को तो मोदी जी ने कहा है कि अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, और यही ईडी की कार्रवाई को देख करते ये लोग एक साथ हाथ मिला करके जितने भी भ्रष्ट लोग हैं एक होकर के बैठ गए हैं राजनीति में। ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह इंडी गठबंधन है सुचारिता जी, जो सरकार नहीं व्यापार चला रही है, और ये चाहे झारखंड की बात हो या कर्नाटका की बात हो, इन लोगों का आज धीरज साहू क्या, इसी कांग्रेस के नेता क्या, 350 करोड़ रुपया पकड़ा गया, उतना बड़ा कैश आप ही लोगों के स्क्रीन पर पहली बार देखा, और फिर मैं आपको बधाई देता हूं देशवासियों को दिखलाने के लिए सुचारिता जी की 30 करोड़ रुपये का नोटों का पहाड़ फिर आप ही के चैनल पर देखने को मिल रहा है, और दुर्भाग्य और संजोग से दोनों कांग्रेस के नेता हैं,
और वो लोग कहते हैं कि मुझे घूमने के लिए पैसे नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है। जरा बताइए कि भ्रष्टाचार का ये आलम आलमगीर के आलम यहाँ क्या हो रहा है। और दूसरी बात हो गई कि जब चुनाव में कोई मुद्दे नहीं है तो किस तरह से फारूक साहब उछालते हैं मुद्दे को, किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री जी चन्नी साहब कहते हैं कि ये पॉलिटिकल स्टंट है। क्या जो शहीद हो रहे हैं उनके शहादत को ये किस स्तर तक लेके जा रहे हैं। आज हमारा भाई जो वहां पे जाके 2000 किलोमीटर पर देश की मिट्टी को बचाने के लिए शहादत देता हो उसको आप बांध के कह रहे हैं कि ये स्टंट हो रहा है। राजद के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे कि दलित प्रेम, अभी 10 सेकंड बीच में थोड़ा सा मुझे 10 सेकंड मौका दीजिए। राजद के प्रवक्ता ने कहा मेरे भाई सहयोगी प्रवक्ता को कि दलित का आप अपमान कर रहे हैं, आदरणीय चिराग पासवान जी की माता का जिस तरह से जमुई के चुनाव में आप ही के कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा आपके सर्वोच्च नेता के मंच पर रहते हुए जिस तरह से अभद्र और अश्लील भाषा में ज्ञान दिया गया था, बिल्कुल जवाब दीजिएगा। आपको दलित पे बोलने का कोई हक नहीं है। दलितों की संपत्ति को आप लोगों ने अपनी संपत्ति नहीं।